हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं स्लीव की ड्राफ्टिंग की कटिंग करना बताऊंगी। ये वीडियो स्पेशल बिगनर्स के लिए बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। जो मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊँगी वो 4 इंच से लेकर 16, 17, 18 या 22 इंच तक हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप 4 इंच से कम कटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अलग तरीके से कटिंग की जाती है। वो भी मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में समझा दूंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये मैंने चार्ट ले रखा है। सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ लेंगे, जितनी हमने लेनी है। तो ये हम 9 इंच ले लेते हैं। और आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा और 1.5 इंच हमारा मोरी फोल्ड करने में जाएगा। ये हमारा 11 इंच हो जाएगा। और 11 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे और इसके बाद हम एक निशान यहाँ पर 3 इंच का लगाएंगे और एक नीचे लगा करके इसे मिला लेंगे। ये निशान हम हर साइज में ले लेते हैं, कोई भी साइज हो, मीडियम साइज हो, हाई साइज हो, हर एक साइज में निशान चलता है। और इस निशान पर हम ब्रेस्ट का 5वां भाग लेकर निशान लगाते हैं। मान लीजिए हमारी ब्रेस्ट 45 इंच की है तो उसका 5वां भाग हो जाएगा 9 इंच। और आगे हम मार्जिन का ले लेंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का और इसे हम तिरछा मिला लेंगे। और ये हमारा 9.5 इंच है, इसका आधा एक निशान लगाएंगे सेंटर में 4.5 इंच पर और इससे बाहर की साइड आधे इंच का एक निशान और लगाएंगे। और ऊपर जो हमने 3 इंच का निशान लगा रखा है इसे हम आधा इंच अंदर निशान लगाएंगे। यो जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसका भी हम आधा कर लेंगे। ये हमारा 4.5 इंच है तो ये 2.25 इंच पर लगेगा। अब हम ये शेप देंगे। मैं तो ये फ्री हैंड दे लेती हूँ क्योंकि हमारी तो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, परंतु जो बिगनर्स हैं उनसे शेप नहीं आती है, उनके लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ। इससे होते हुए ये निशान ऊपर जाकर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी बैक की शेप है और अब फ्रंट की शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की शेप हो चुकी है। इसके बाद हम मोरी का निशान लगाएंगे। ये हम 5.5 इंच पर लगा लेते हैं और आगे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। एक लाइन हम यहाँ पर भी लगाएंगे और ये हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। एक कट यहाँ पर लगा करके इसकी कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है।
इसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम आगे जो मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान लगाएंगे और एक कट लगा लेंगे और ये हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। अब इसे फोल्ड करेंगे और ये हम जो फोल्ड करना है मोरी का कपड़ा इस पर एक निशान लगा देंगे और ये हमारी स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है। अगर हमारा कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।